हाय एवरीवन, मैं आपका होस्ट सीसीटीवी डेस्क के बिहाफ से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि एंड यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जो कैमरा लगवाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए भी, सिस्टम इंस्टॉलर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट एंड यूज़र के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो यूँ है कि जब सीसीटीवी कैमरे की बात आती है तो आदमी के दिमाग में जो बात आती है 8-10 हज़ार का बजट, 4 कैमरे, वायरिंग, केबलिंग, इस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं, और वो इतना रिलाई नहीं करता है कि एक कैमरा की रिक्वायरमेंट होती है, वो 3 DVR लगवाए क्यों। इस तरह की बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। और दूसरी बात दिमाग में एंड यूज़र की चलती है कि क्या वायरलेस कैमरा रिलायबल है इतना कि हम उसको लगवा सकते हैं, और या हम जो ट्रेडिशनल 4 कैमरा का सेटअप आता है उसको लगवाएँ। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम है जिसके लिए एंड यूज़र यानी वो ढूंढा करता है इस प्रॉब्लम को, कुछ सही जवाब नहीं मिलता। तो ये वीडियो उनके लिए, तो मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जी हाँ, बिल्कुल आप एक कैमरा जो वाईफाई वायरलेस कैमरा आता है वो बिल्कुल एक कैमरा लगवा लें, कोई इश्यूज़ नहीं। अगर आपको अपने होम में अपने बेबी को देखने के लिए, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ देखने के लिए, या डाइनिंग हॉल में लगाने के लिए, या जहाँ भी लगाने के लिए, डोर पर लगाने के लिए, अगर सिंगल कैमरा का रिक्वायरमेंट है या 2 कैमरा का रिक्वायरमेंट है, तो आप बिल्कुल वायरलेस कैमरा ही ख़रीदें, ट्रेडिशनल पे ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि उससे बजट काफ़ी कम हो जाएगा और आपका जो भी आपका पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल आप रिलाई कर सकते हैं। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि जो वीडियो का टॉपिक है कि बेस्ट वायरलेस कैमरा कौन सा अवेलेबल है यहाँ हमारे इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में। तो देखिए, इसकी लिस्ट तो बहुत ढेर सारे कैमरे आते हैं, तो मैं बेसिकली 5 कैमरा का नाम दूंगा। सबसे पहले मैं नाम लूंगा हिकविजन का इजीविस, सेकंड नंबर पे मैं नाम लूंगा दहुआ का रेंजर 2, और तीसरे नंबर पे मैं लूंगा सीबी प्लस का इजी कैम, और चौथे नंबर पे मैं लूंगा MI का कैमरा, जो कि आउट ऑफ बॉक्स आप तमाम वीडियोज़ देखेंगे तो आपको लोग नहीं बताएंगे MI के बारे में। आप जानते होंगे लेकिन लोग बताएंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे। उसका रीज़न है कि जो सिस्टम इंटीग्रेटर है उसके, वो डायरेक्ट आप परचेज़ कर लेते हैं, उसमें सिस्टम इंटीग्रेटर का कुछ कोई रोल ही नहीं रह जाता है। मतलब सिंपल वो इंस्टॉल करने के जो पैसे लेना चाहेगा लेगा, या सिक्योरिटी कैमरास में नहीं डील करती MI, यूँ भी कह लीजिए। और जो पांचवा मैं कैटेगरी लूँगी वो लूँगा सारे वायरलेस OEM कैमरास, हॉक विज़न, जियो विज़न, जितने भी हमारे इंडिया में ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ट्रू व्यू, तब जो भी वायरलेस कैमरा, सब बेसिकली एक ही होती है। बेसिकली वो एक कैटेगरी होती है V380, मतलब एक ऐप है उसका कैमरा होता है, अच्छा कैमरा होता है वो भी। तो वो कैमरा अगर आपका बजट बहुत कम हो तब आप उसको लगवाएं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है उसको, आप ब्रांड में ही जाएं, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो चलिए देखिए, इन वीडियोज़ को, इन कैमराज को कनेक्ट कैसे करते हैं, अगर इसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट करिएगा, जिसके बारे में जानना हो मैं वीडियो बना दूंगा मैंने, लेकिन मैं अब आपको वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपल सा बताता हूँ कि कौन सा कैमरा आपको लगवाना है और क्यों। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा, जैसे कि मैंने डिटेल किया हिकविजन का इजीविज, तो हिकविजन का इजीविज कैमरा जो होता है ये देखने में काफ़ी अच्छा है। इमेज पे आपको पिक्चर इसकी दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि 256 चैनल का 256 GB मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है। और इसकी दूसरी बात ये कि हिकविजन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके कैमरे की जितनी बिल्ड क्वालिटी से लेकर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। इसका आउटपुट माइक जो 2-way कम्युनिकेशन का वो काफ़ी अच्छा है, और इसकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये कि कैमराज को आप ऐप के थ्रू मॉनिटर करते हैं, तो उसमें जो ऐप का प्रोसेसिंग है, ऐप की क्लिक्स हैं, आपके फंक्शंस को क्लिक पे रिस्पॉन्स है, ये बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और इसमें आपको ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है, तो जो कि आपकी रिलायबिलिटी बढ़ा देता है काफ़ी, तो आप ईथरनेट पोर्ट पे भी लगा सकते हैं। 1080p में ये वीडियो को कैप्चर करता है, उसको ही उसी सेम रेट पे रिकॉर्ड कर देता है। और ये इसमें गूगल असिस्टेंट आपको मिल जाएगा, ये पैन हो जाता है, और इसका मॉडल CN6 एक कॉमन मॉडल है, और इसमें ख़ास बात है कि वारंटी आपको 2 ईयर की मिल जाएगी।
और जो मैं फिर से बोलना चाहूँगा, हिग्विजन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ही रिलायबल होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं यूँ कह लीजिए। और इसकी ऐप को यूज़ करेंगे आपको तो बहुत ही स्मूथ चलेगी ऐप, काफ़ी मेहनत करी इजी वीज पे, वीडियो भी मेरा ऑलरेडी बना हुआ है कि कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। तो सबसे पहले पे मैं ये इस कैमरे को लेना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे मैं आपका दहुआ का रेंजर 2 लेना चाहूँगा। एक चीज़ और भूल गया हूँ मैं कि 256 GB का जो कार्ड होता है तो उस पर आप आराम से 15 से 20 दिन की रिकॉर्डिंग ईजिली आप स्टोर कर सकते हैं। और इन सब कैमरों के साथ एक ख़ास बात होती है कि सब में आपका क्लाउड फीचर इन आता है। तो क्लाउड फीचर स्पेशली जो एक विज़न दहुआ और MI और CP है, इनमें सब में आपको क्लाउड फीचर मिल जाएगा। इसको अगर आप परचेस कर देते हैं, अलग से आपको परचेस करना पड़ता है, तो अगर कोई कैमरा चुरा भी ले जाता है तो उसके बावजूद भी आप रिकॉर्डिंग क्लाउड पे सेफ रहती है। तो दूसरा मैं दहुआ का रेंजर 2 देखने के बारे में बात करना चाहूँगा। दहुआ IMOU रेंजर 2 बेसिकली दो कंपनी का टाई अप है, लेकिन आप दहुआ को ही जाने, IMOU के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 256 GB कार्ड करता लेता है, क्लाउड इसमें भी है, इसमें भी इथरनेट पोर्ट दिया हुआ है और इसकी ऐप भी काफ़ी अच्छी है। दहुआ भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसके प्रोडक्ट नो डाउट बहुत ही अच्छे होते हैं। एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर या एज अ 7-10 ईयर एक्सपीरियंस इन CCTV, दहुआ हिकविजन TVT, दे ऑल आर गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इसमें भी आप 2.5 GHz का वाईफाई मिल जाएगा, इथरनेट पोर्ट मिल जाएगा और आप इसमें जो जो लिखा जाता है कि आप 24 दिन की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। H.265 कंप्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो अब जो भी कैमराज H.265 कंप्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग नेचुरली ज़्यादा रिकॉर्ड होती है। हिकविजन भी करता है, दहुआ भी करता है, मगर CP+ में शायद नहीं है अभी। तो आपको डेफिनेटली इसमें रिकॉर्डिंग बेटर मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, आपका नेटवर्क की जो बैंडविड्थ कंजम्पशन है वो भी बहुत कम होगा। इसके सारे फीचर ये बेसिकली फीचर मैंने आपको बताए हैं। तो H.265 कंपेरिजन टेक्नोलॉजी जिस कैमरे में भी यूज़ होगी वो अच्छा ही चलेगा। ये रेंजर 2 मॉडल इनका एक बड़ा कॉमन है, ये इंडोर ही कैमरे हैं, 1080p पे ये चलते हैं, रिकॉर्डिंग उसी रेट पे करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट MP4 होता है और इन सब इसमें एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों मिल जाता है आपको। तो एक ये प्लस पॉइंट है अगर आप AI बेस जाना चाहते हैं। तो तीसरा जो कैमरा है वो CP+ का इजी कैम है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस कैमरे में गूगल एलेक्सा आपको दोनों मिल जाएंगे, इसमें भी मेमोरी कार्ड 128 GB सपोर्टेड है। अभी शायद कोई लेटेस्ट मॉडल आ गया हो तो उसमें 256 अदरवाइज 280 है। ये भी पैन टिल्ट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और इसकी ख़ास बात है कि ये इसमें भी ऑलमोस्ट आप 15 to 12-15 डेज रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं। 2.5 GHz में का इसमें वाईफाई ऑप्शन है और ईथरनेट के लिए आपको पोर्ट भी दिया जाता है। और कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो नाइट मोड सब में ही मिलता है, ऐसा कुछ उसमें इश्यूज़ नहीं है, वो सब मैं आपको कॉमन बता दूँगा एक साथ। और एंड्रॉयड वगैरह वाईफाई, इसका फ्रेम रेट 1080 ए भी सारे कैमरों का है, तो इसका भी इसका CPE24 एक मॉडल आता है जो बड़ा कॉमन है। और इस तरह से इन तीनों कैमराज में आपको ह्यूमन डिटेक्शन, फॉल्स अलार्म, इन सब का ये सब चीज़ें कम आप अलार्म भी लगा सकते हैं। और जो चौथा कैमरा है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, MI यानी Xiaomi का 360 डिग्री सिक्योरिटी कैमरा 1080p में। तो इसमें भी आपको इसमें इंडोर आउटडोर दोनों आ जाता है, तो आप जब परचेज़ करें तो इंडोर आउटडोर कैमरा देख लें कहते हैं, लेकिन इतना रिलायबल नहीं होता है कि आप पूरा आउटडोर में लगा लें, क्योंकि पावर पोर्ट कहीं ना कहीं उसमें इंजेक्ट कर रहा होता है, उसमें पानी जाएगा तो पोर्ट ख़राब होगा ही होगा। अब इसके अभी AB1H.265 कंप्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसका भी 1080p है
और फ्रेम रेट आप कम कर ज़्यादा कर सकते हैं रिकॉर्डिंग का। और इसमें पावर सोर्स डीसी ही मिलेगा आपको, इन तमाम कैमरोज में आपको टू वे कम्युनिकेशन मिल जाएगा। और ऐप की बात करें तो इसकी ऐप भी काफ़ी स्मूथ है, एम आई होम के नाम से इसकी ऐप आती हैं। और इसी तरह पांचवी कैटेगरी जो है वो OEM सारे कैमराज को मैं डाल लेता हूँ, V380 हैं और VXM EY है, इन सब में मैं उनको डाल लेता हूँ, तो मैं उनके डिस्कशन नहीं करने वाला। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम हो, आप 2000 में 1000 रुपये में 1500 रुपये में कुछ कैमरा चाहते हो तो उनको आप यूज़ कर लें, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रांड में ही जाएँ। अब बात करते हैं कि इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मैं डेफिनेटली मैं जाऊँगा हिकविजन की तरफ। हिकविजन के प्रोडक्ट अनडाउटली सबसे बेटर प्रोडक्ट्स होते हैं। इनमें आपको सबसे अच्छी बात है वारंटी आपको 2 ईयर की मिल जाएगी कंप्लीट। हाँ, एक चीज़ ध्यान दे दें, जितने भी कैमराज होते हैं अगर आपका फ्लक्चुएशन हो इलेक्ट्रिसिटी का तो ये बंद हो जाते हैं, PCB बंद हो जाती है, उसकी वारंटी नहीं मिलती है। ये कंडीशन एक है जो कि बहुत कम आती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और तो इसलिए मैं जाऊँगा सबसे पहले हिकविजन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे मैं दहुआ और MI दोनों को रखूँगा, बिकॉज़ या यूँ के लिए दहुआ का रखूँगा कि एडवांटेज दहुआ को इसलिए जाता है कि दहुआ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, होल सेल सिक्योरिटी में डील करती है, और तो इसलिए मैं दूसरे नंबर पर दहुआ को पे जाऊँगा। और तीसरे नंबर पर मैं ईजी विस्क में आपका MI पे जाऊँगा, क्योंकि MI एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, काफ़ी ज़्यादा सेल है इंडिया में इसकी या पूरे एशियन कंट्रीज़ में, और रिलायबल प्रोडक्ट्स होते हैं, आराम से 2-3 साल इजीली चल जाते हैं, और इनकी ऐप में भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी है पहले से कंपैरिजन में। इसका भी वीडियो मैंने बनाया था कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं सबसे लास्ट में रखूँगा CB+ को, क्योंकि मैं CB+ इंडिया में एक अच्छा ब्रांड है, इसने काफ़ी अपनी मार्केटिंग में काफ़ी मेहनत करी हुई है, लेकिन एज अ प्रोडक्ट मैं CB+ को कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज ये टोटल इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में इसकी असेंबलिंग होती है, तो मैं कभी भी CB+ के प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं किसी ब्रांड को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं हूँ, ना मुझे किसी ब्रांड ने पैसे दिए हैं, ना मेरा कोई लेना देना है चीज़ों से, मैं सिर्फ एंड यूज़र को गाइड करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि वो अवेयर रहें टेक्नोलॉजी से। और CCTV जो डेस्क की जो वेबसाइट है उस पर भी कहीं ना कहीं सिर्फ हम आप देखेंगे कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हम फ्री ऑफ कॉस्ट या सिर्फ पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और तो इसलिए मैं सबसे कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, सबसे पहले मैं हिकविजन का इजी विज लूँगा, दूसरे नंबर पर मैं दहुआ का IMU Ranger 2 लूँगा, तीसरे नंबर पर मैं MI का कैमरा लूँगा, चौथे नंबर मैं CB+ का कैमरा लूँगा। इन सब के साथ अगेन मैं बताता हूँ कि इसका क्लाउड फीचर है, क्लाउड रिकॉर्डिंग फीचर है, वो आप ज़रूर लें अगर आप ले बियर कर सकते हैं। उससे सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपका कैमरा कहीं टूट गया, ख़राब हो गया, कोई लेकर चला गया, चोरी हो गया, तो आपको रिकॉर्डिंग स्टोर मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा, जिस पर्पज़ के लिए आप सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप कैमरा का मकसद है जो कैमरे का, वो आपको ईजिली चीज़ें मिल जाएगा, नो डाउट अनडाउटली आप जाइए। हिकविजन का क्यूब कैमरा भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन वायरलेस कैमरा पे आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक था यही कि बेस्ट कौन सा है, तो मेरे मैंने आपको बेस्ट बता दिया है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आप चाहते हैं किसी और चीज़ के बारे में, कैमरे में जाना चाहते हैं, मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।